जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब बदल रही है, जहां हाल ही में युवाओं को खेल गतिविधियों के प्रति प्रेरित करने और उन्हें नशे की लत से दूर रखने के लिए कठुआ में नशा मुक्ति खेल अभियान का आयोजन किया गया। इस ग्रामीण खेल महोत्सव में जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा से भी आए युवाओं ने भाग लिया। युवा सेवा एवं खेल के निदेशक सुभाष चंद्र चिब्बर, संयुक्त निदेशक जितेंद्र मिश्रा आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे और सरपंच जगदीश पुनिया के साथ विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए। हमारा ये एक प्राइम एम था कि बच्चे जो हैं ये हमारे गांव से निकलें और अच्छा एक प्रदर्शन करें, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत सारा नशा फैला हुआ है, फैल रहा है। कई बच्चे अभी भी अंदर हैं, कई बच्चे इसी मतलब एरिए के, तो हमें ये बड़ी परेशानी होती है। हम बच्चों को यही यहाँ से मोटिवेशनल वे से कहना चाहते हैं कि ये सीखें। पंजाब की जैसे लड़कियाँ भी गई हैं, या इधर पानीपत करनाल जा यूपी से दिल्ली से बच्चे आए हैं खेलने के लिए, हम उनको इसलिए हमारा ये मकसद था कि उनको देखकर प्रेरणा लें, आगे भी बढ़ें। जहाँ पर कबड्डी की टीमें जो हैं हरियाणा से, पानीपत से, पंजाब से, इधर कश्मीर से भी आई है, कश्मीर से भी, पुंछ राजौरी से भी, पुलवामा से भी, मैं जो हमारे प्रो कबड्डी नहीं चलती है उसके खिलाड़ी भी आए हुए हैं, वो भी जहाँ पर खेल रहे हैं। कि हमने इसका नाम तो हमने स्टेडियम त्रेड़ा स्टेडियम रखा हुआ है, हमने खेलों पे जो रुझान है ना, और नशा मुक्ति अभियान जंग नशा मुक्ति के लिए हमने लड़के देखे, वो दो नशों पे है, एक तो जो ड्रग्स लेते हैं, दूसरा जो मोबाइल भी एक नशा है, ड्रग्स तो होगा मोबाइल भी। आते भी नौजवान जो हैं वो खेल में टाइम बिताएं। खेल समिति ने ग्रामीण युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच दिया है, जिसके जरिए नशा मुक्ति के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है।